एक ही नूर से हुक्म हजूर से सारी सृष्टि साजी भाई पंडित काजी एक ही जात है एक ही जात है जात है एक ही जात है एक ही जात है जात है। सत्संग क्यों जरूरी है? सत्संग का क्या फायदा है और संत सत्संग क्यों करते हैं? सत्संग क्यों जरूरी है? इस घोर कलयुग में इंसान इंसानियत को भूल गया है। इंसान भगवान को भूल गया है, विषय विकारों में खोया हुआ है, बुरे कर्म करता है, निजी स्वार्थ में अंधा हो गया है। ऐसा होने से इंसानियत खत्म हो गई और राक्षसीपन शैतानियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से आज इंसान का दुश्मन इंसान बनता जा रहा है। जरा सी बात के लिए, जरा सी कहा सुनी हो गई, आपस में विचार नहीं मिले तो एक दूसरे को खत्म करने तक पहुंच जाते हैं। चंद रुपए नजर आ गए, वो रुपए चाहे 5-10 रुपए हों, पर किसी ने यह कह दिया कि इनके पास लाखों हैं तो झट से गोली मार देते हैं। क्या कीमत रह गई इंसान की? 5-10 रुपए, इससे भी कम। वो इंसान जो 84 लाख शरीरों में से सर्वश्रेष्ठ शरीर है ईश्वर का बनाया हुआ, वो इंसान जो सर्वश्रेष्ठ बेशकीमती शरीर का मालिक है, मन माया के पीछे लग के शैतान बन गया है, पशुओं से बदतर हो गया है। इसकी सोच में सिवाय दौलत के, सिवाय अपने आप को बड़ा साबित करने के, अहंकार के, काम वासना क्रोध लोभ मोह के कुछ भी नजर नहीं आता। ऐसे समय में जब हाथ को हाथ खाने लगता है, ऐसे समय में जब बुराई का बोलबाला फैलने लगता है, सत्संग बहुत जरूरी है। क्योंकि सत्संग में जब इंसान चल के आता है, उसे समझ आती है इंसानियत क्या है और राक्षसीपन क्या है। उसे समझ आती है मैं दुखी क्यों हूं और सुखी कैसे हो सकता हूं। इंसानियत किसे कहा जाता है? ये दुनियावी शिक्षा में नहीं पढ़ाया जाता, दुनियावी शिक्षा में इसका अभाव है। लेकिन रूहानी संत इसी पे ज्यादा जोर देते हैं।
इंसानियत का मतलब है किसी को गम दुख दर्द में तड़फता देख के उसके दुख दर्द में शामिल होना और उसके दुख दर्द को दूर करने की कोशिश करना, इसी का नाम इंसानियत है। किसी को तड़फाना, किसी को सताना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, वो इंसानियत नहीं, वो राक्षसीपन है, वो हैवानियत से भी गिरा गुजरा कार्य है। इंसान खून कैसे चूसता है दूसरों का, ठगी मार के, बेईमानी करके, रिश्वत लेके, भ्रष्टाचार से, ये खून चूसना ही तो है जो इंसान इंसान का चूसे जा रहा है। और शर्म की बात यह है फिर भी खुद को इंसान कहता है, जबकि ये कार्य तो किसी समय में राक्षसों के हुआ करते थे, जो खून पिया करते थे, निचोड़ा करते थे। पर आज इंसान सफेद पोश है, समाज में रहता है, उसका नाम राक्षसनी, लोग उसे इंसान के नाम से जानते हैं, पर कार्य वो राक्षसों वाले कर रहा है। तो राक्षसी प्रवृत्ति ज्यों ज्यों बढ़ती है, लड़ाई झगड़े दंगे फसाद दिन ब दिन बढ़ते चले जाते हैं, और इंसान के अंदर से बर्दाश्त शक्ति की कमी हो जाती है, इंसान बेचैन हो जाता है, टेंशन गम चिंता बीमारियां उस इंसान को घेर लेती हैं। तो जब तक सत्संग में नहीं आएगा उसे अपने मिस्टेक अपनी गलती का पता ही नहीं चलेगा, और पता नहीं चलेगा तो वो अपनी गलती दूर कैसे करेगा, और अगर वो गलतियां दूर नहीं होंगी आत्मिक शांति अंदर का आनंद लज्जत खुशियां मिलेंगी कहां से, जिसके लिए वो लाखों खर्च करने को तैयार है, कभी सोने का कुछ चढ़ा देता है भगवान को अल्लाह राम को, कभी कुछ चढ़ाता है, वो अनजान है कि वो गॉड वो अल्लाह वो वाहिगुरु वो ओम किसी का एक नया पैसा नहीं लेता। पर ये समझ तभी आए ना जब सत्संग में आए, कि दुनिया में जो बताने वाले हैं वो तो कहते हैं चढ़ा, कम मत चढ़ा, ज्यादा चढ़ा, मालिक ज्यादा खुशियां देगा, किसको ये पता नहीं, लेकिन उनको लगता है कि हमें आप चढ़ाओगे खाएंगे तो वही, इसलिए वो ज्यादा जोर देते हैं ज्यादा चढ़ाओ। कभी मालिक बोला क्या मुझे 54 क्यों चढ़ाई, रुपया क्यों नहीं चढ़ाया, वो नहीं बोलता। ये तो जिन्होंने खाना होता है आग उन्हीं के लग जाती, आप ये रुपया क्यों चढ़ाया 54 क्यों चढ़ाई, फिर वो तिल मिला जाते हैं और फिर सच्चे रूहानी संतों की निंदा भी करनी शुरू कर देते हैं। पर संतों को किसी से कोई लेन देन नहीं होता, उन्होंने तो सच बताना है, उन्हें कोई बुरा कहे अच्छा कहे उनकी मर्जी, संत सच बताएंगे, सच बताते थे और सच बताते रहेंगे। और सच यही है कि आपको आत्मिक सुख आत्मिक शांति रुपए पैसे से नहीं, ढोंग दिखावे से नहीं, बल्कि ईश्वर के नाम के जाप से मिलेगी। आप जो कर चुके हैं, जो समय गुजर गया उसमें आपसे जाने अनजाने में कोई गुनाह कोई बुरा कर्म हुआ बुरा कार्य हुआ, जो मालिक की निगाह में ईश्वर की निगाह में पाप है, तो ऐसे बुरे कर्म ऐसे बुराइयों को धोने का अगर कोई जरिया है तो वो है ईश्वर का नाम।
ना कि आपका रुपया पैसा, ना आपका कोई दिखावा। सच्चे दिल से, सच्ची तड़प से आप ईश्वर का नाम जपें, मालिक को याद करें, तो आप अपने उन पाप गुनाहों का बदला चुका सकते हैं, उन पाप बुरे कर्मों को दूर भगा सकते हैं। अगर आप सत्संग में नहीं आएंगे, सुनेंगे नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पाप, आपके गुनाह दूर हो सकते हैं, वो भी बिना पैसे के, बिना ईश्वर को टैक्स दिए। ईश्वर तो लेता नहीं बिचौलियों को। आप अपने घर परिवार में रहिए, आपकी जो ड्यूटी है, जो भी धंधा आप करते हैं, अच्छा करो, नेक करो, वो करते रहिए, ये आपका कर्तव्य है। जो औलाद पैदा की है, आपका अपना शरीर, इसको खाने खिलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। चाहे आप किसान हैं, व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, नौकरी पेशा हैं, आप वो कर्म जरूर करो, लेकिन मेहनत की कमाई, हक हलाल की खाओ, खून पसीने की, कड़ा परिश्रम करते हुए कमाई करो। कड़ा परिश्रम शारीरिक तौर पे भी है और दिमागी तौर पे भी, हर क्षेत्र में, चाहे वो कोई भी है, जैसे दुकानदार, व्यापारी, बिजनेसमैन, कुछ भी किसान भाई हैं, तो इसमें शारीरिक मेहनत भी होती है और दिमागी भी। तो आप जैसे दफ्तर में जाते हैं, 8 घंटे ड्यूटी है आपकी, कम से कम 6 घंटे तो ईमानदारी से यहां से आप तनख्वाह लेते हैं, जिनकी ड्यूटी बजा रहे हैं, 6 घंटे तो दिलो जान से उनके लिए कार्य करो। लेकिन हमने देखा 6 घंटे तो दूर, घंटा 2 घंटे ड्यूटी देते हैं, कई सज्जन तो 6 घंटे गपशप मार के निकाल देते हैं, सो गए, इधर उधर की बातें सुनाई, तो हमारी निगाह में वो मेहनत की कमाई नहीं, वो भी पाप है, गुनाह है, क्योंकि आप अपने फर्ज से कन्नी कतराते हैं। तो मेहनत की करके खाओ और उसमें आनंद ना मिले, लज्जत ना मिले, हम आपको लिख के दे सकते हैं। मेहनत की कमाई एक ऐसी कमाई है जो इंसान को संतुष्टि देती है। कोई डर नहीं होता, कोई भय नहीं होती, कोई चिंता नहीं होती। और दूसरी कमाई में चोर होता है इंसान, चोर हर समय डर रहता है, रंगे हाथ ना पकड़ ले, जो इज्जत बनी हुई है कहीं माटी में ना मिल जाए, हर समय टेंशन, हर समय परेशानी, और आखिर में कोई ना कोई बीमारी। एक तरफ जहर खाता है, औलाद को खिलाता है, और दूसरी तरफ खुद भी उसमें तड़फता रहता है। क्या फायदा हुआ उस दौलत का, जिससे खुद को सुख नहीं, औलाद को सुख नहीं। ये पता तभी चलता है जब आप सत्संग में आते हैं। इसलिए सत्संग जरूरी है, क्योंकि वो सत्संग या रुपए का लेन देन चलता है, उनको तो जितने नोट आप चढ़ाओगे उतने ही आपकी खुशामंद करेंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि तेरी कमाई का वे रास्ता तरीका कौन सा है, वो तो कहेंगे हमें चढ़ाता जा, किसी का गला काट, किसी को मार, तेरे पे भगवान दया करेंगे, तू बेफिक्र रह, हम जो बैठे हैं गारंटी वाले, पर हमें चढ़ाना जरूर, भूल मत जाना। ऐसा कहने वाले दुनिया में आप भी मरते हैं, और जो उनके पास जाते हैं उनको भी मरवाते हैं। तो भाई, जैसे कोई गऊ को आटे का एक पेड़ा है, निवाड़ा है, वो खिलाता है और बाद में उसका कत्ल कर दे, यही हाल वो आम रूहों का करते हैं,
वो उनको इज्जत का निवाड़ा दिखाते हैं, उनकी वाहवा शाबाशी का तगमा देते हैं और रूहों का घात करते हैं। खुद भी अज्ञानी होते हैं और दूसरों को भी अज्ञानता में और अज्ञानता रूपी दलदल में धसाते चले जाते हैं। तो ऐसे लोग खुद यहां दोजक भोगते हैं और आगे भी नरक दोजक में चले जाते हैं। अंधा गुरु अंधा चेला नरकों में धकम धकेला, वहां धक्का पड़ता है। गुरु पहले कहता मैं जाऊं, चेला कहता पहले मैं जाऊं, कहां? नरकों में। तो ऐसे लोग दुनिया में बहुत हैं। तो आम लोग गौ इसलिए कहा अज्ञानी होते हैं, वो अपने दिमाग से तो काम लेते नहीं कि ये हमसे ले रहा है, हम मालिक को चढ़ा रहे हैं, आगे से मालिक दो शब्द आशीर्वाद के तो देता नहीं, कभी मालिक को उठाते हुए किसी ने देखा नहीं, तो क्या ये अंधविश्वास नहीं? आप चढ़ाए जा रहे हैं, चढ़ाए जा रहे हैं, उसने कभी उठाया ही नहीं एक नया पैसा, क्या ये मूर्खता नहीं? सोचिए, कभी दिमाग से काम ले लिया कीजिए। बिजनेस में तो बहुत लेते हैं, ठगी मारने में भी इसका इस्तेमाल काफी करते हैं। कैसे कैसी योजनाएं आपके अंदर चलती रहती, ऐसे ठगी मारूं तो पता नहीं चलेगा, ऐसे बेईमानी करूं तो पता नहीं चलेगा, इतने परसेंटेज लूं तो मजा आएगा, तब तो स्कीम बहुत चलती रहती है। और जब अल्लाह राम की बात आती है तब ये भेजा काम में क्यों नहीं लेते कि जब वो उठाता ही नहीं, आगे से ये नहीं कहता कि बेटा तूने मुझे चढ़ाए, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ, वो भगवान, वो अल्लाह, वो वाहेगुरु राम जब प्रकट हो गए ऐसा नहीं कहता, तो आप यकीन कैसे कर लेते हैं कि वो पैसा मालिक के पास जाएगा? क्या ये अजीबोगरीब बात नहीं? अजीबोगरीब है, आज आपको लग रही होगी लेकिन पहले नहीं लगी। क्यों? पहले कोई सच बताने वाले सत्संग में आप गए ही नहीं, वो तो सत्संग की नकल होती है, वहां तो माया का बिजनेस होता है। और जो महापुरुषों के पवित्र ग्रंथों में लिखा होता है वो पढ़ के सुना दिया जाता है, प्रैक्टिकली उनके पास कुछ भी नहीं होता। जबकि सत्संग वो होती है जिसमें संत फकीर जो सुनाते हैं पहले वो अनुभव करते हैं, उसका नाम सत्संग होता है। अरे पवित्र ग्रंथ तो सभी धर्मों में बहुत बड़ा ज्ञान है, उनमें अगर कोई माने तो उसे तो कोई भी पढ़ सकता है, फिर इसमें अगर क्या वो बड़ा हो गया जो पढ़ के सुना रहा है, क्यों उसकी जय जयकार कर रहे हैं? प्रैक्टिकली तो वो कोरा है, प्रैक्टिकली तो वो नोट कमाने आया है और कुछ नहीं जानता, लोहा गर्म करना जानता है कि किस तरह से इंसान को भावुक किया जाए, किस तरह से इंसान की भावना को भड़काया जाए और फिर उससे रुपए नोट लिए जाए। ऐसे लोग दुनिया में बहुत हैं जो लोगों से खुद खाते हैं, लोगों से लेते हैं। जरा सोचिए, जो आपके सामने झोली फैलाता है वो आपकी झोली कैसे भर सकता है? कभी सोचा आपने? कभी विचार किया? तो ये आपका दिमाग किधर चला जाता है, क्यों नहीं काम लेते उससे? सोचिए, अगर कोई संत, अगर कोई फकीर ईश्वर से एक हो चुका है, मालिक की भक्ति इबादत करने वाला है और पैसा आपसे मांगता है, जरा विचार कीजिए, क्या उसका भगवान अल्लाह राम वाहेगुरु गॉड खुदा रब जो सारी खलकत सारी सृष्टि को बनाने वाला है, अपने उस भक्त को दो समय का खाना नहीं दे सकता? वो सब कुछ दे सकता है, लेकिन जो लोगों से मांगते हैं वो उसके भगत होते ही नहीं, वो दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं, पाखंड करते हैं और लोगों को लूटते रहते हैं। और जब तक सत्संग में इंसान आता नहीं, उसकी दिमाग में उसके विचारों में परिवर्तन आ ही नहीं सकता। कई लोग लकीर के फकीर होते हैं, उन्होंने इतना उनको पटाया कह लीजिए या मक्खनबाजी की होती है, बटरिंग की होती है,
कि वो हिल नहीं पाते। हमारा तो वही है, हमारा तो सब कुछ वही है। अरे अंधो आंखें खोलो, कान ईश्वर ने सुनने के लिए दिए, बंद करने के लिए नहीं। बड़े बड़े पाखंड रचे जाते हैं। कोई कहता है आप ज्यादा टेम्परेचर में गर्मी में बैठो, आग में बैठो, चारों तरफ आग जला देते हैं, बीच में बैठ जाते हैं, लोगों के लिए अचंभा होता है, वाह कितना बड़ा भगत है। नहीं, हमारी निगाह में तो इसके बिल्कुल उल्टे, बुरा मत मानिए, कितना बड़ा दिखावा करने वाला नाटककार है। अरे आग हमारा शरीर सह सकता है, इसमें इतनी पावर शक्ति है कि अगर इसको जैसा बनाना चाहो, माइनस कितनी डिग्री में यह चला जा सकता है, जिंदा रह सकता है, और बहुत ज्यादा टेम्परेचर में भी। आग दूर रखो, यहां आप सह सकते हैं, और जाना आधा आधा इंच नजदीक करते जाओ, कोई भी आम शरीर आग झेलने के काबिल एक ना एक दिन जरूर बन जाएगा। तो इसमें कौन सी बड़ा तीर मार लिया। कोई कहता है सिर में पानी डालो तो मालिक मिल जाएगा, तो मेंढक मछलियां तो भगवान के पास गई नहीं, वो तो हमेशा पानी में रहती। कई कहते खड़े रहो, बैठना ही नहीं, खड़े रहने से भगवान मिलेगा। कई पशु ऐसे होते हैं जो ज्यादातर खड़े ही रहते हैं, बैठते कभी कभार हैं, वो तो मालिक के पास गए नहीं। कई नगन घूमते हैं, हमने देखा अपनी आंखों, और लोगों को लगता है ये है बड़े भगत। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति की तरह रह रहे हैं, तो वो नाखून क्यों काटते हैं, खाते क्यों हैं, मुंह क्यों हिलाते हैं। अगर नगर रहने से मालिक मिलता, सारे पशु, सारे पेड़ पौधे, इंसान को छोड़ के सारे ही भगवान के पास होते। कभी पशु को लंगोट कसे देखा आपने, तो भगवान के पास क्यों नहीं गया। ये निरा पाखंड है, लोगों को भरमाने के लिए एक दिखावा है, सच इसमें कुछ भी नहीं है। जब हमें अकल है, हमें तमीज आ चुकी है, तो हम क्यों ना उस अकल का इस्तेमाल अपने आप को छुपाने या जिसमें समाज का भला है उसको ढांपने में क्यों ना इस्तेमाल किया जाए, क्या बुराई है इसमें। तो ये दिखावे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। कोई ना कोई मुर्गा तो उनका फंस ही जाता है, और उसे फिर अच्छी तरह से मूंढते हैं, ऐसा मूंढते हैं कि वो हिल ना पाए। अरे भाई, ईश्वर ने आपको इंसान भेड़ नहीं, भेड़ जो सच को देखते सुनते हुए भी उन पाखंडियों के हत्थे चढ़े रहते हैं, वो भेड़ नहीं तो और क्या है। भेड़ एक कुएं में गिर जाती है, पांच सात तो उसके पीछे जरूर गिर जाती है, उनको लगता लहलाता हुआ घास होगा, ये तो भेड़ चाल होती है। इंसान को तो ईश्वर ने दिमाग दिया है, अरे कभी तो इस्तेमाल कर लिया करो। तो सच्चाई जानने के लिए सत्संग जरूरी है, और इसीलिए संत सत्संग लगाते हैं। उनका मकसद लोगों को इकट्ठा करके नोट लेना नहीं होता, लोगों को इकट्ठा करके वोट लेना नहीं होता, लोगों को इकट्ठा करके अपना धर्म बढ़ाना नहीं होता। संतों का मकसद, उद्देश्य, एम, लक्ष्य एक ही होता है, हर किसी को सच की जानकारी दी जाए और सच से जोड़ा जाए। उनका निजी स्वार्थ कुछ भी नहीं होता, वो खुद मेहनत करते हैं, खुद कमाई करते हैं, और उस कमाई से ही खान पान करते हैं। इतिहास गवाह है, निगाह मार के देख लो, जो भी रूहानी सूफी संत आए, चाहे वो कबीर साहब थे, उन्होंने भी खेस दरिया बुनी, उनको बेचा, मार्केटिंग की, उससे जो आता था अपने तन के लिए, हालांकि उन्होंने मालिक को पाया था, वो ले सकते थे उससे, पर संतों का असूल बिना वजह मालिक के जो कुदरत के कानून है उनमें दखलंदाजी करना नहीं होता। शरीर ये बनाया कोई मांगने के लिए थोड़ा ही, शरीर बनाया है कर्म करने के लिए, और वो भी अच्छे नेक कर्म करो, खुद का भी भला हो और सामने वाले का भी भला हो, इसलिए ये शरीर बना है। तो भाई संत फकीर सच बताने के लिए सत्संग करते हैं। कई बार लोग देवी देवताओं से डरते हैं, हमारे पास बहुत पेश होते हैं हजारों की तादाद में, गुरुजी हमें फलां देवता ने तंग किया, फलां देवता ने, ये आपका भ्रम है।
देवता शब्द का मतलब निकलता है रूहानियत में कि एक तरह से जो ड्यूटी दे रहा है अच्छे के लिए, दुनियावी के हिसाब से अच्छे के लिए। वो किसी का नुकसान करेगा तो वो देवता कैसे कहलाएगा? क्योंकि बुरा करने वाले का नाम राक्षस है और अच्छा जो ड्यूटी दे रहा है उसका नाम देवता है। और अगर देवता ही किसी की भैंस कटड़े को मार देता है, कई कहते हैं हमारी भैंस को मार दिया, कटड़े को मार दिया, तो वो देवता थोड़ी रह गया, वो तो राक्षस हो गया। क्या सच नहीं? तो यकीन मानो, आप देवताओं की पूजा अर्चना करो ना करो, उन्होंने अपनी ड्यूटी जो है मालिक की तरफ से लगी हुई वो देनी ही देनी है। उनके कायदे कानून है, उनसे वो बाहर नहीं आ सकते। अरे जितना समय आप देवी देवता में लगाते हैं, उतना समय अगर सुप्रीम पावर ओम हरि अल्लाह गौड़ खुदा रब वाहिगुरु की याद में लगाएं, तो हम आपको लिख के देते हैं, ऐसी आत्मिक शांति मिलेगी, उसके दर्श दीदार के काबिल बन जाओगे कि आप समय को याद करके रोओगे कि बाकी का समय हमने बर्बाद क्यों किया। पर इसकी समझ आती है सत्संग में आने से, बिना सत्संग के समझ नहीं आती, बिना सत्संग सुने के कोई बात क्लियर स्पष्ट नहीं होती। तो इसलिए संत सत्संग लगाते हैं। और यहां देवी देव का सवाल है, आपको संतों की बात ही सुना देते हैं। इस देही को सिमरे देव, सो देही भजहर की से, भजो गोविंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का यही लाहो। इस देही को सिमरे दे, अरे मानस के शरीर को, इंसान के शरीर के लिए सुमरन देवी देवता करते हैं कि हमें कब ये शरीर मिले और कब हम प्रभु की प्राप्ति कर लें। इस देही को सिमरे दे, सो देही भजहर की से, वो सुमरन करते शरीर मिले, आपको तो मिल चुका, फिर उस हरि की सेवा, दीन दुखियों का फायदा करना, खड़कत की सेवा में अपने हाथों से लगना, क्यों नहीं करते? भजो गोविंद भूल मत जाओ, सेवा अपने आप नहीं हो पाती, मन इजाजत ही नहीं देता, कभी शरीर थकावट मानता है, कभी कुछ कभी कुछ। भजो गोविंद, उस ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब, उसकी भक्ति करो। भजो गोविंद भूल मत जाओ, भूलना नहीं, मानस जन्म का यही लाहो, इंसानी शरीर का यही लाभ है सबसे बड़ा। तो संतों की वाणी सुनी आपने, देवी देवता आपके शरीर के लिए तड़फ रहे और आप उनके सुमरण में लगे हुए हैं, ना अजीबोगरीब बात। पर सत्संग में जब तक आओगे नहीं, समझ आएगी कैसे? कृष्ण जी कहते हैं एक जगह पे, युद्ध भूमि में जब वो अर्जुन को समझा रहे होते हैं, गौर से सुनने वाली बात, देवी देवताओं के बारे में, युद्ध भूमि में जब वो समझा रहे होते हैं, वहां एक कीड़ा मकोड़ा घूम रहा होता है, तो कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, ये जो कीड़ा मकोड़ा घूम रहा है, ये एक दिन ब्रह्मा था, विष्णु था, वो अवतार था। जरा सोचिए, कहां गई ये बात, किधर जा रही है ये बात, कि देवी देवता भी एक निश्चित समय तक रूह उस शरीर में रहती है, उस पदवी में रहती है, बाद में उस रूह को भी जन्म मरण में आना पड़ता है, क्या यह सच नहीं? तो आप उनकी भक्ति में लगे हुए हैं जो खुद जन्म मरण के जाल में उलझे हुए हैं। अरे देवी देवताओं के ऊपर तीन देव हैं, उनके ऊपर एक जिसे काल महाकाल त्रिलोकी नाथ कहते हैं, पर ये त्रिलोकी नाथ भी समाधि में बैठता है। जिसके पास पावर हो, जिसके पास शक्ति हो, उसको किसी की समाधि में बैठने की क्या जरूरत, जो है ही पावर। तो इससे पता चलता है वो खुद पावर नहीं है, वो किसी से मांग रहे हैं, किसी से दुआ कर रहे हैं। वो कौन है, उसी की यहां चर्चा कर रहे हैं हम, उसी का नाम ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब वाहिगुरु भगवान है। तो क्यों ना डायरेक्टली उसकी भक्ति की जाए, क्यों ना उसी की भक्ति इबादत की जाए, जिसकी भक्ति में सब लगे हुए हैं, और उसकी भक्ति करने का हक सिर्फ और सिर्फ 84 लाख शरीरों में से इंसान को ही प्रभु ने दिया है। इंसान का शरीर एक ऐसा है जो दोनों जहां के मालिक उस परमात्मा की भक्ति कर सकता है, बाकी कीड़े मकोड़े जीव जंतु जानवर दोनों जहां के मालिक की भक्ति नहीं करते,
कोई देव में उलझा है, कोई कहीं पे, कोई कहीं पे। तो आप भी अगर ऐसे उलझे हुए हैं, आप भी और पशुओं में फिर क्या फर्क है? बुरा ना मानना, आपको सच कह रहे हैं, सच ना हो तो बताइए। तो सच्चाई है। दुनियावी निगाह में आपको एक उदाहरण देना चाहेंगे, आपका काम है कोई और आपकी पहुंच, आपका यार दोस्त या यूं कह लेते हैं आपका पिता जो है वो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, लेकिन आप काम करवा रहे हैं छोटे ऑफिसर से, उसकी मिन्नत निकाल रहे हैं। वो कहता भी मैं तो खुश हूं, बड़े वाले से मिल लो, फिर आप उसकी मिन्नत निकालते हैं, फिर वो कहता मैं तो खुश हूं, यूं करते करते सैकड़ों हैं, पता नहीं कितने हैं, करोड़ों हैं, कब आप वहां पहुंचोगे? और जब आपका पिता ही प्रधानमंत्री है या जानकारी है आपकी उसके साथ, अगर डायरेक्टली उससे मिला जाए, क्या ये शॉर्टकट नहीं? और सारे पानी भरेंगे कि भाई ये तो उसका बेटा है या उसका जानकार है, जरूरत नहीं पड़ेगी फाइल पे वजन रखने की, फाइल अपने आप उड़ के चली जाएगी। समझदार को इशारा काफी है, दुनिया में यह चलता है। तो उसी तरह से ईश्वर ने शरीर आपको बनाया, आप एक ही परमपिता की औलाद हैं, जिसे ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब वाहिगुरु कहा जाता है, बजाय आप डायरेक्टली उससे कनेक्शन जोड़ने के बीच वालों के आगे हाथ फैलाते फिर रहे हैं। पहले तो आपको शर्म आनी चाहिए कि मालिक ने आपको इतना बड़ा ओहदा दिया, अपना रूप कहा, ये रूहानियत में लिखा है। ईश्वर ने, अल्लाह ने जब इंसान का बुत बनाया, शरीर बनाया, सब देव फरिश्तों को कहा सजदा करो, नमस्कार करो, अभी उसमें जान नहीं थी, उन्होंने कहा जी हम क्यों सजदा करें, क्यों नमस्कार करें? तो मालिक ने जवाब दिया, ईश्वर ने कहा कि ये मेरा अपना रूप है, ये खुद मुख्तियार होगा, और अगर ये धरती पे दुनिया में जाके मेरी भक्ति इबादत करेगा तो इसको जीते जी भी दर्श दीदार दूंगा और इसकी आत्मा रूह को आवागमन से मोक्ष मुक्ति मिल जाएगी। ये सुन के सब देव फरिश्तों ने इंसानी बुत को सजदा किया, और फिर मालिक की नूरे किरण जिसे रूह आत्मा कहते हैं वो शरीर में प्रवेश कर गई। तब देवी देवताओं को पता चला कि सबसे ताकतवर शरीर मोक्ष मुक्ति के लिए कोई है तो वो इंसान का है, इसलिए वो इंसान के शरीर का सुमरण करना, यानी मालिक हमें भी ये शरीर दे, मोक्ष मुक्ति का मौका दे। अब आप खुद सोच लीजिए, आपने उम्र किधर लगा दी? अरे जो गुजर गई शर्म मत करो, शर्माने से कुछ होने वाला नहीं। कि मैं तो जी अपने स्टैंड पे पक्का हूं, पक्का होने से तू अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेगा, बदल जा, अब भी समय है। जब तक अज्ञानी था, अज्ञानता में हर कोई गलती कर लेता है, पर आज तो तूने सुन लिया, आज तो तू समझ गया असलियत क्या है, आज के बाद भी गलती करता है तो ये तेरे लिए गुनाह के बराबर है। इसलिए हे इंसान, उस मालिक को याद कर, सुप्रीम पावर को याद कर, जिसके सहारे ये एक त्रिलोकी नहीं, ये एक त्रिलोकी नाथ नहीं, खंड ब्रह्मंड सब खड़े हुए हैं, जो सबका स्वामी है, जो खुद पावर है, जो चरम सीमा देने वाला है, उसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं। तो उस मालिक, उस परमात्मा को याद कर, फिर रिजल्ट तेरे को हाथों हाथ ना मिले तो हम आपको गारंटी देते हैं, उसका वो मेथड है, उसकी वो युक्ति है, वो तरीका है, जिसे नाम कलमा शब्द वर्ड्स कहा जाता है। कोई पैसा नहीं लगता, कोई धर्म नहीं छोड़ना, कोई पहनावा नहीं, कोई बोली नहीं, कोई धंधा नहीं छोड़ना, उस मेथड को अपनाओ और सुमरन करो, जाप करो, पर सच्चे दिल से करो, वो नहीं जो हम समाज में देखा करते हैं। हम हर धर्म को मानते हैं, मानते हैं, दिखावा नहीं करते। हम गए धर्मों में, कोई मालिक को झुक झुक के खुश करना चाह रहा है, सजदा करता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ देता है, कोई नोट चढ़ाता है, कोई मालपुए खीर हलवा चढ़ाता है, कोई टल्ली बजाता है फटाफट, यूं लगता है जैसे भगवान जी टल्ली में बसे बैठे हों। अरे टल्लियां तो फिर ऑटोमेटिक ही बज सकती हैं, आजकल कंप्यूटर जो है स्विच ऑन करो घंटी बजती रहेगी, इसका मतलब भगवान जी तो वो जो कंप्यूटर से घंटी बज रही उसके पास जाएगा, क्योंकि हाथ से तो आप घंटा बजा लेंगे, वो तो 24 घंटे बजा सकता है, तो फिर तो भगवान जी कंप्यूटर में बैठ जाएंगे, आप तो देखते ही रह गए। तो ये बाहर वाली घंटी छोड़ दो,
माड़ा गुमानी जो लोगों को दिखाना वो छोड़ दीजिए, कहीं सोचते नहीं। सुनिए, माड़ा तो कर मैं फिरे, जीबा फिरे मुखमाए, अरे मनवा तो दे दिस फिरे, यो तो सुमरन ना है। माड़ा के मणके होते हैं, वो हाथ में घूमते हैं। आपको बता दें, हिंदी में माड़ा कहते हैं, पंजाबी में इसे एक सिमरनी कहते हैं, मुसलमान फकीर इसे तस्वी कहते हैं, और इसे घुमाते हैं हाथ से यूं। जीबा, मालिक का नाम ले रहे हैं, राम राम राम, लेकिन अंदर क्या मीटिंग चल रही है, मुझे वो मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मनवा तो दे दिस फिरे, कभी किधर कभी किधर। तो ये भक्ति भगवान की चल रही है या कारोबार की? क्योंकि संतों ने कहा है, भक्ति वो है जो सच्ची तड़फ लगन से की जाए, सच्ची तड़फ चिंतन से। चिंता तो आपको कारोबार की लगी हुई, हाँ ये एक खिलौना समझ के घुमाए जा रहे हैं, राम राम किए जा रहे हैं, पर अंदर वाली भक्ति सही होती है। कर का मन का डार दे, मन का फेर। अरे जितना समय ये घुमाने में लगाता है ना, अपने अंदर की बुराइयां छोड़ दे, अपने अंदर के ऐब छोड़ दे, तो मालिक तेरे से दूर नहीं, वो तो बिल्कुल तेरे अंदर है, सबसे नजदीक है तेरी आंखों के, वहां तक जाने का रास्ता। तो भाई ये सच्चाई सत्संग के बिना कैसे सुनने को मिलेगी? और आपको यह भी बता दें, सच जो होता है ना वो कड़वा बहुत होता है, कई तिल मिला जाते हैं, इतना कड़ सच नहीं। वो कहते हैं गुरुजी गलत कहते हैं, उनको यूं लगता है, पर होता सच है, गलत नहीं होता, पर सच कड़वा बहुत होता है। लेकिन जो भी कड़वी घूंट पी गया, कुनैन पी गया, तो छुपा हुआ बुखार दूर हो जाता है। ये जन्मों जन्मों के बुखार को, पाप गुनाह के धब्बों को, आवागमन की बीमारी को, सच जो है, मालिक का नाम जो है, जड़ से खत्म कर देता है। तो इसलिए संत सत्संग लगाते हैं, इसलिए लोगों को इकट्ठा करते हैं, और कोई वो तमाशा नहीं दिखाते कि मैं यूं हाथ करूं तो ये अंगूठी निकल आएगी, राख निकल आएगी, चावल निकल आएंगे। ये जादूगरों का काम है, संतों का काम नहीं, ये उनके लिए अच्छा लगता है। संत चमत्कार को कहर मानते हैं, जहरा चमत्कार, जहरा तौर पे वो कोई चमत्कार नहीं करते, वो वचन बताते हैं मालिक के, परम पिता के, जो वचनों को मानते हैं, सुमरन करते हैं, उनको कदम कदम पे चमत्कार मिलना शुरू हो जाता है, ये भी सच है। पर जहरा तौर पे वो कोई जादूगर बड़ा काम नहीं करते कि ले भाई तुझे जिंदा कर दूंगा, तुझे मार दूंगा, या ये वो फला फला, नहीं ये नहीं वो करते, कर सकते हैं, मालिक से एक हो चुके होते हैं वो, इसलिए उनके लिए संभव नहीं होता मालिक से प्रार्थना दुआ करके मालिक को मना लेना। लेकिन अगर संत ऐसा करने लगे, मालिक की कुदरत के खिलाफ चलने लगे, तो फिर क्या होगा ये आप खुद सोचिए। वो उसकी रजा में रहते हैं, दुआएं मांगते हैं कि हे मालिक, हे ईश्वर, सारी सृष्टि तेरी औलाद है, इनको सद्बुद्धि दे, नेक अकल दे, ताकि ये लोग अच्छे नेक बन के इस धरती पे रहते हुए स्वर्ग जन्नत से बढ़ के नजारे लें, और अपनी जीवन जब इनका समाप्त हो तो आवागमन से मोक्ष मुक्ति हासिल करके आप में समा जाए। और ये 100% सच है, बिना ईश्वर की भक्ति के, बिना परमात्मा की भक्ति के, हमसे लिखा के ले लो, आत्मिक शांति, आनंद, लज्जत ना तो यहां मिलेगी और ना आवागमन से मोक्ष मुक्ति वहां मिलेगी। उसका एक ही तरीका है, और कहीं सिर झुकाते फिरो, कुछ भी माड़ा घुमाते फिरो, जितना मर्जी रगड़ा लगाते फिरो, देवी देव तो खुद मोक्ष मुक्ति के लिए तड़फते हैं, किसी को क्या मोक्ष मुक्ति देंगे। इसलिए अगर मोक्ष मुक्ति चाहते हो तो अपने अंदर जो आपके अंदर बैठा है, ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब, उसकी भक्ति इबादत में समय लगा के तो देखो, ऐसा आनंद मिलेगा, ऐसी शांति मिलेगी, ऐसी लज्जत मिलेगी, कहने सुनने से परे। और आपको कभी नहीं लगेगा आप अकेले, आपके साथ वो मालिक के शब्द, उसका वो अमृत आबो हयात हरि रस आपको धुनकारें देता रहेगा, आपके अंदर प्राण फूंकता रहेगा, और आत्मिक शांति के सरोवर में आप तैरते हुए पता तक नहीं चलेगा गम होता क्या है, चिंता होती क्या है, तैरते हुए आप मालिक रूपी किनारे पे पहुंच जाएंगे। तो भाई सच बताना हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है, मानना ना मानना वो आपकी इच्छा है।
तो आपकी सेवा में अर्ज किया सत्संग क्यों लगाते हैं। और कोई उनका ये नहीं होता किसी को लूटा जाए या किसी को तड़फाया जाए, संत कर्म करके खाते हैं, ये भी सच है। यहां सच्चा सौदा में विप्रभु मस्ताना जी के समय से यहां कर्म करके खाया जाता है, जैसे अपने खुद हैं। साधु तो करेंगे ही करेंगे, जब भी समय मिलता है फावड़ा चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, हर कार्य कर सकते हैं हम जो दुनियावी इंसान अच्छा करता है मेहनत का, और वो करते हैं, कोई जी नहीं चुराते। जब भी समय मिलता है जरूर टाइम लगाते हैं, और जितने की जरूरत होती है खाने की साल में उससे कई गुना ज्यादा करते हैं फिर खाते हैं। तो भाई संतों का काम ही ये हुआ, चाहे पीछे इतिहास में निगाह मार लो या जो भी कार्य करते हैं उनमें राय देते हैं, ऐसे फसल लो वैसे फसल लो, क्योंकि ये भी हमारा एक फर्ज बन जाता है। यहां जो भी आके खाएगा जो भी कमाया जाएगा एक सब किताब की तरह है, छुपाया नहीं जाता कि इतना हमने कमाया, इतना दीन दुखियों की सेवा में लगा दिया और इतना लगाने को तैयार बैठे। कोई अपना पर्सनल यहां का एक पैसा नहीं लगा सकता अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपनी औलाद के लिए, क्योंकि बेपरवाह मस्ताना जी महाराज के वचन है कि सच्चे सौदे का जो पैसा है वो लोहे के चने हैं। क्यों खाएगा कोई, खाएगा तो हजम नहीं होंगे, खत्म करते जाएंगे। कईयों ने यहां से खा खा के देखा, हम नाम किसी का नहीं लेते पर वो समझते हम होशियार हैं, चुपके चुपके चुरा के देखा, बेईमानी से खा के देखा, और हम जब निगाह मारते उनके जीवन की तरफ जीते जी उनका जो बुरा हाल है, मालिक ऐसा कभी किसी का ना करे। और ये मालिक से दुआ भी मांगते कि मालिक ऐसा करने वालों को सदबुद्धि दे। आपके तो वचन हो गए पर ये ना समझें, कुछ ना कुछ रहमत जरूर कर, दया कर। तो भाई ये असूल हम खुद तो 100% मानते हैं, साधु भी मानते हैं, पर 100% हम किसी को नहीं कहते अपने सिवाय। ये हमारा असूल है, हम मानते हैं उस सतगुरु की दया से। अपने आप तो हम कहां से मान लेते, हम तो आपके सेवादार हैं, नौकर हैं, सेवा के लिए तैयार रहते हैं, दीन दुखियों के नौकर हैं, हर समय तैयार हैं। लेकिन हम उस सतगुरु सच्चे मुर्शिदे कामिल शास्त्रनाथ जी महाराज की दया में रहमत से ये कह सकते हैं कि वाकई हम इस मामले में 100% उनके वचनों पे फूल चढ़ाते थे, चढ़ाते हैं, उनकी रहमत से चढ़ाते रहेंगे। तो भाई ये सच्चाई है, वास्तविकता है। संत कोई छुपाने वाली चीज नहीं होते कि उनका पर्सनली कुछ और हो, बाहर कुछ और हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। जो कुछ भी उनका होता है वो सबको बता दिया करते हैं। छुपाते वो हैं जो कुछ ऐसा करते हैं, लोगों से नोट लेना, ठगी मारना, लूटना, अपने औलाद के लिए कुछ ना कुछ बना के देना, नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। संत फकीर ऐसा नहीं करते। तो भाई सत्संग में वो नाम मिलता है, मोक्ष मुक्ति का तरीका मिलता है जो आपको भी दिया जाएगा। पर अभी इसी तरह प्रेम प्यार से बैठिएगा,